जरा पुकारिए अपने हाथों को उठाकर, शायद तुम्हारी बात वो गोपियों की तरह सुन ले। क्या जिसकी पुकार में जितना दम होगा वो उसी तरह ले लेगा। मेरे भाई बहन, अपने मन से कहिए, दुनियादारी से निकलकर एक बार पुकारे, तुम्हारे हृदय के मार्ग से, कानों कर्ण रंध्रों के माध्यम से तुम्हारे दिल में उतर जाएगा मेरे ठाकुर, और तुम्हें अपना लेगा रे वो। मनिए पुकारे आ दिल के सहारे हो, मनिए पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, मनिए तड़फाना था तो क्यों बचाया था काली नाग से, क्यों बचाया था विषैले जल से, क्यों बचाया था पूतना से, क्यों बचाया था आगासुर से, क्यों बचाया था सक्टासुर से। जलने देते हमें उस दावा अग्नि के अंदर, मुंजारने में जो अग्नि लगी थी जलने देते फिर। यदि ऐसे ही तड़फाना था, अब हमारे साथ क्या हो रखा है, हमारा दिल कैसे धड़क रहा, कभी सोचा आपने? वो कह रहे हैं, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए हो, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती आओ तो सही, हमारे प्राण निकलने को हैं। कहीं से आवाज आई, यदि प्राण निकले तो फिर मरते क्यों नहीं। कहती हैं, ठाकुर तुम मरने भी नहीं देते हो, क्यों? जो ही प्राण निकलने को होते हैं
कोई न कोई कथा सुनाने वाला आ जाता है, और जिससे तुम प्रेम करते हो उसकी कोई चर्चा करने वाला भी आ जाए तो मन तुम्हारा करता थोड़ी देर बैठ ले इसके बारे में सुन ले क्या। इसलिए है मेरे ठाकुर हमारे ही नहीं सुनते तो राधा है, राधे तुम्हें बुला रही है, इसके लिए आ जाओ, इसके बहाने हम रास रचाएंगे और कभी कोई गलती नहीं करेंगे, दोबारा हम आपको नहीं सताएंगे, हम नंद बाबा को माया सौदा की आपकी शिकायत नहीं करेंगे। एक बार आ जाओ, हमारे लिए नहीं राधा के लिए ही आ जाओ, ये कंकरीली पथरीली जमीन में तुम परेशान हो गए होगे मेरे नाथ, आइए ना एक बार। राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए, ओ राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए, आ जा कन्हैया में रास रचाए, राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए, चलिया मुरली वाले आ जा।